दोस्तों बात कर लेते हैं IOC के स्टॉक के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। जान लेते हैं आगे इसमें क्या लेवल और क्या टारगेट्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। स्टॉक में आज देखने के लिए मिल रही है 4.25% के करीब की गिरावट। 167.20 रुपये के आसपास ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों इस स्टॉक में इस समय बाइंग मोमेंटम बन तो रहा है, लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं स्टॉक ने डबल टॉप लगा दिया है। अगर ये स्टॉक टूटता है तो 165 रुपये पर इसका एक बड़ा सपोर्ट नज़र आता है। अगर ये स्टॉक थोड़ा सा और टूटता है तो बाय ऑन डिप के हिसाब से डेफिनेटली इस स्टॉक को इस समय पर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा आपको बना लेना चाहिए। 165 के नीचे मुझे नहीं लगता ये स्टॉक निकलना चाहिए। जब भी ये स्टॉक रिवर्स लेता हुआ नज़र आएगा तो दोस्तों ये इस गैप को भी फिल करेगा, जो आप देख सकते हो आज कैंडल्स ने इस बीच में छोड़ दिया है। अगर पहले से इस स्टॉक में आप स्टक है तो अभी वेट कीजिए। अभी इस स्टॉक को ऊपर चलने के लिए कोई मुझे पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब भी रिवर्स लेगा तो बहुत बढ़िया तेज़ी दिखाएगा। बात कर लें टारगेट्स की तो 173 रुपये का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 180 रुपये आपको जल्दी ही आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन 173 के ऊपर निकलकर इसको कुछ देर के लिए सस्टेन करना होगा। और दोस्तों जिस दिन 180 के ऊपर कैंडल क्लोज करेगा, डे कैंडल क्लोज करेगा, तब आपको ये 190 से 200 रुपये तक भी आता हुआ नज़र आएगा। अगर आप भी कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से कम समय में ज़्यादा पैसा, अगर आप भी चाहते हैं वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में कोई आपको सही बाइंग लेवल और सही टारगेट्स बता दे, तो आप तुरंत ही कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।